मैं जानता हूँ कि किसी भी आदत को बनाना इतना भी आसान नहीं है। यहाँ तक कि आपने कई बार कोशिश भी की होगी लेकिन ज्यादातर फेल हो गए होंगे। पर किसी भी आदत को प्रैक्टिस करके बनाया जा सकता है। पर सवाल ये आता है कि हम कब तक किसी भी आदत को बनाने के लिए प्रैक्टिस करें या कितने दिनों तक उस आदत पर टिके रहे जिससे वो हैबिट हमेशा के लिए बन जाए। तो इसका जवाब है 21 दिन का नियम। अगर आपको कोई भी हैबिट डालनी है तो आप 21 डेज हैबिट थ्योरी का यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको सुबह 6 बजे उठने की आदत डालनी है तो कल से ही सुबह 6 बजे उठना शुरू कर दो। हो सकता है कि आपको शुरुआत में थोड़ी तकलीफ हो या आपको यह नई आदत डालने में थोड़ी मुश्किलें आए, लेकिन आपको यह आदत कंटिन्यूसली 21 दिन तक करते रहना है। फिर आप 21 दिन के बाद देखोगे कि आप अपने आप सुबह 6 बजे उठने लगे हो। अब सवाल ये आता है कि हमें 21 दिन तक ही क्यों करना है। मैं आपको बता दूं कि हमारे दिमाग को बदलने या कोई नई चीज को एक्सेप्ट करने में 21 दिन लगते हैं, और यह बात सच है। जैसे जैसे हम नई चीज को लगातार करते हैं वैसे वैसे हमारे दिमाग के अंदर मौजूद न्यूरॉन्स बदलने लगते हैं और कुछ नए बनने लगते हैं। और साथ ही जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे आपके लिए आदत बिल्कुल सिंपल बन जाएगी। आपने देखा होगा जब हम कोई काम पहली बार करते हैं तब उस पर पूरा ध्यान लगाना पड़ता है। जब आप पहली बार बाइक चलाना सीखते हो तो आप पूरी तरह से उस पर ध्यान देते हो, लेकिन जब कुछ समय के बाद थोड़ी सी प्रैक्टिस से आप बाइक चलाना सीख जाते हो तब आप किसी से बात करते करते भी चला लेते हो। यह कैसे होता है आपने कभी सोचा है? हमारे मन के दो पार्ट होते हैं, कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड। जब हम बाइक पहली बार चला रहे थे तब यह सब हमारे लिए नया था, इसी वजह से वो सारी प्रतिक्रियाएं कॉन्शियस माइंड द्वारा हो रही थी। लेकिन जब हम यह काम बार बार करके सीख जाते हैं तो यह सारी क्रियाएं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती हैं, और इसी वजह से सबकॉन्शियस माइंड अपने आप उस काम को कर देता है और हमें वह काम करने में किसी भी तरह की मेहनत नहीं लगती। जब आप सुबह उठते हैं तो पहला काम क्या करते हैं? इसमें कोई शक नहीं है कि आप सुबह उठकर सबसे पहले हाथ में ब्रश ही लेते होंगे। क्या कभी आप उठकर सोचते हो कि आज मुझे ब्रश करना है, या फिर आप ब्रश लेते वक्त पूरा ध्यान उस पर लगाते हो? नहीं, क्योंकि यह काम आप कई समय से कर रहे हो, इसी वजह से यह हैबिट आपके दिमाग में बैठ गई है या कहे तो सबकॉन्शियस माइंड में चली गई है। अब तक तो आपने सोच लिया होगा कि अब अगले 21 दिन में कई सारी आदतें बना लेंगे, पर यह आपकी सबसे बड़ी समस्या है। आप एक साथ बहुत सारी हैबिट्स को बनाने में तो लग जाओगे, लेकिन ज्यादा हैबिट्स की वजह से आप किसी एक हैबिट पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाओगे। इससे कोई भी आदत 3 दिन से ज्यादा नहीं चलेगी, और जब हैबिट टूटेगी तो आप उसे छोड़ दोगे, क्योंकि किसी भी हैबिट को बनाने के लिए सबसे कठिन काम होता है उसे शुरू करना। अगर आप किसी भी हैबिट को शुरू करते हैं तो आपने उस हैबिट को 50% तक हासिल कर लिया है। यह लाइन कई महान लोगों द्वारा बोली गई है, इसलिए बेहतर यही रहेगा कि आप किसी एक आदत को ही अपना लक्ष्य बनाएं और उस पर डटे रहें। आई होप ये वीडियो आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में।